हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं पोटैटो बाइट्स। बहुत ही चटपटे और कुरकुरे से पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार होते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है ये हल्का फुल्का सा नाश्ता। के लिए लिए हमने आलू को उबाल कर ठंडा किया और उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। इसके लिए लेंगे हम ब्रेड क्रम, चावल का आटा, सूजी। तो चावल का आटा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, सूजी लिए 2 टेबल स्पून, मसाले लिए काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स मिक्सअप और लहसुन का पाउडर, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। और ये लिए 2 प्याज, इसको कद्दूकस करके इसका पानी निकाल दिया। ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो आलू को हमने अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। एक बार हाथ से इस तरह मैश करेंगे ताकि सभी आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें डालेंगे चावल का आटा, 4 टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून लिए मैंने सूजी, सभी मसाले। तो सभी मसाले इसके अंदर डाल देंगे जो अभी हमने बताए थे। प्याज को हमने बहुत अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल दिया है, इसको इसके अंदर डालेंगे। ये ताज़े ब्रेड के ब्रेड क्रम बनाए हैं हमने, वो डालेंगे इसके अंदर और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक डो फॉर्म में ले आएंगे। ये हैं हमारे कॉर्नफ्लेक्स, तो हम इनके क्रम बना लेंगे। ये हमने मिक्सी की जार में डालकर इनके क्रम बना लिए हैं, जैसे ब्रेड क्रम बनाते हैं वैसे कॉर्नफ्लेक्स के बनाए हैं। अब हम अपने बैटर में से एक छोटे छोटा बाइट्स लेंगे और इनको दोनों हाथ की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। इसकी शेप अपनी अपनी मर्जी से जिस तरह भी दे सकते हैं, मैंने ये इस तरह गोल से बनाए हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। तो सभी को हम इसी तरह बनाकर रख लेंगे। और ये है कॉर्नफ्लेक्स और मैदा, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ताकि इसके अंदर भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इनको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक अच्छा सा गोल बनाकर तैयार कर लेंगे, एकदम लम्स फ्री। ये देखें इस तरह से। तो एक पोटैटो बाइट्स उठाएंगे और इसके अंदर डीप करेंगे और इसको हम कॉर्नफ्लेक्स का जो हमने क्रम्स बनाकर रखे हैं इसके अंदर फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह फोल्ड करेंगे सब तरफ, हमारे जो ये कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स हैं ये लग जाएं। और सभी को हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए हम फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और यहाँ हमने ऑयल को गरम किया है, ऑयल हमारा अच्छी तरह गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। तो एक एक बाइट्स उठाएंगे और इसके अंदर ऑयल के अंदर डिप करेंगे, इनको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी आसानी से फ्राई हो जाते हैं, खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो टी टाइम के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है ये। और इनको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स लगाने के बाद हम इनको फ्रीज भी कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करें और एक बार ज़रूर ट्राई करें पोटैटो बाइट्स, बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।